नोट बदली के बाद देश में अरबपतियों की संख्या में 11% की कमी आई है, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश नारा की संपत्ति 23 गुना बढ़ गई है, वो भी महज पिछले 5 महीने में। आपको बता दें कि 34 वर्षीय लोकेश स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA हैं और तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव भी हैं। तो एक तरफ जहां अरबपतियों की संख्या घट रही है, 11% की उसमें कमी आई है, वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं लोकेश नारा, जिनकी संपत्ति में इजाफा हो गया है, वो भी कोई मामूली इजाफा नहीं है बल्कि 23 गुना उनकी संपत्ति बढ़ गई है, और वक्त भी बहुत कम, महज 5 महीने के अंदर अंदर 23 गुना संपत्ति बढ़ गई है। 34 साल के हैं लोकेश, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA है, विदेश से पढ़ाई की है उन्होंने, और तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव भी हैं। और अब चर्चा है कि जल्द ही लोकेश अपने पिता की कैबिनेट में मंत्री भी बन सकते हैं, इसीलिए उन्होंने सोमवार को MLC चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। इसी दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, इसमें उन्होंने 330 करोड़ रुपए की संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जबकि अक्टूबर 2016 में लोकेश ने 14.5 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा दिया था। अंदाजा लगाइए, 14.5 से सीधा 330 करोड़ रुपए कुछ ही महीनों में, यानी पिछले 5 महीने में संपत्ति में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि उन्होंने अपनी संपत्ति का क्या ब्यौरा दिया है। ये देखिए, कुल संपत्ति 330 करोड़ रुपए बताइए, हेरिटेज फूड्स में 273.84 करोड़ रुपए के शेयर उनके पास है, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा उन्होंने अचल संपत्ति का जो खुलासा किया है, डिक्लेयर किया है, वो 18 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। पुश्तैनी संपत्ति उनके पास, उनका कहना है कि 38.52 करोड़, 38.5 करोड़ रुपए के आसपास उनकी पुश्तैनी संपत्ति की कीमत है। और पहले 2016 अक्टूबर में जो संपत्ति थी उसका क्या ब्यौरा था, ये भी देख लीजिए। 14.5 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा किया था उन्होंने, तब उन्होंने कहा था कि हेरिटेज फूड्स के 2.5 करोड़ रुपए के शेयर उनके आसपास है, यानी शेयरों में अच्छा खासा इजाफा उनके हुआ है, ज्यादा शेयर उनके पास आए हैं। दूसरी कंपनियों में 1.64 करोड़ रुपए की संपत्ति की बात उन्होंने की थी, 93 लाख रुपए की कार का उन्होंने खुलासा किया था अक्टूबर में। तो ये अक्टूबर की स्थिति थी, और 5 महीने में 14.5 से 330 करोड़ रुपए की छलांग।